हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का रिटेल स्मार्ट इन्वेस्टर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में बजाज फाइनेंस के बारे में, जो कि 5,082 रुपये में लास्ट ट्रेडिंग डे में क्लोजिंग दिया था। तो आज दोस्तों हम लोग ये समझेंगे कि बजाज फाइनेंस जो कि अपना क्वार्टर 3 का रिजल्ट लेकर के हम निवेशकों के सामने आने वाली है, तो इसके शेयर भाव आने वाले दिनों में कैसे देखने को मिलेंगे। तो इनका जो क्वार्टर 3 का जो रिजल्ट आएगा वो 20 जनवरी को आएगा, जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर इनके नोटिस को डाउनलोड किया है बीएससी के वेबसाइट से, और यहाँ पर हम लोग इसके डेट को देख रहे हैं। और इसके टेक्निकल चार्ट को देखें दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि इसने अभी हाल में ही ब्रेकआउट दिया था और ये करीब 5,361 रुपीज के आसपास जाकर के इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। और ये गिरावट क्यों देखने को मिली दोस्तों, तो गिरावट इसलिए देखने को मिली कि बजाज फाइनेंस पर आरबीआई ने पेनाल्टी इम्पोज किया है कुछ रूल वायलेशन के चलते, और उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। नहीं तो जिस प्रकार से इसने ब्रेकआउट दिया था तो इन स्तरों से ये काफी ऊपर निकल चुका रहता अभी तक। तो दोस्तों, आरबीआई ने ये जो पेनाल्टी इम्पोज किया, तो क्या इससे बजाज फाइनेंस की जो ये ब्रेकआउट दिया था वो क्या फिर अब ये शेयर यहाँ से नीचे लुढ़क जाएगा, क्या ये नीचे गिर जाएगा? तो नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। हम लोग भी कभी कभी हेलमेट भी लगाए रहते हैं, सब कुछ रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस पास में रहता है, लेकिन कभी कभी हम लोगों को भी ट्रैफिक रूल वायलेशन में पेनाल्टी चार्ज हो जाती है, ऐसा कई बार देखने को मिला है। तो ये बड़ी कंपनी है और आरबीआई जैसे भी ये वॉचडॉग सब हैं, तो कंपनियां से भी छोटी मोटी गलतियां होते रहती है और जिसके लिए उन्हें हर्जाना भरना पड़ता है, तो ये इनका पार्ट ऑफ बिजनेस है। और अगर हम लोग ओवरऑल बजाज फाइनेंस के ट्रेंड को देखें दोस्तों, तो ओवरऑल बजाज फाइनेंस का जो ट्रेंड देखने को मिल रहा है वो काफी बुलिश फेज में ये चल रहा था, और लॉकडाउन की घोषणा के साथ ही इसमें तेज गिरावट देखने को मिली थी, उसके बाद इसमें तेज उछाल भी देखने को मिला, और ये पूरी गिरावट को ये रिकवर करके 4,912 के स्तर से इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया था। और जैसे ही आरबीआई ने पेनाल्टी इम्पोज किया तो इनकी जो ब्रेकडाउन हम लोगों ने देखी थी, इसका हवा निकल गया। तो अब दोस्तों, अब जब बजाज फाइनेंस के क्वार्टर 3 के रिजल्ट आएंगे 20 जनवरी को, तो क्या अब हम लोग इस लेवल पर खरीदारी करके चल सकते हैं? क्या इसमें जो तेजी बन रही थी वापस लौटते हुए दिखेगी? तो इसके लिए दोस्तों हम लोगों को इनके जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसको भी चेक करना पड़ेगा कि बड़े निवेशकों ने इस स्टॉक में अपना कैसा स्टैंड रखा है। उसके बाद हम लोग इसके फंडामेंटल को चेक करेंगे कि इनके क्वार्टरली रिजल्ट कैसे देखने को मिले थे, उसके बाद ही हम लोग कुछ बता पाएंगे कि इसके शेयर भाव इन स्तरों से हम लोग ऊपर जाते हुए देखेंगे या ये शेयर इन स्तरों से वापस नीचे चला जाएगा। हम लोग इसको डिसाइड करेंगे इस वीडियो में सारे एनालिसिस करके। दोस्तों, स्क्रीन पर हम लोगों को बजाज फाइनेंस के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखने को मिल रहे हैं, और अगर हम लोग इनके मार्च एंड से एफआईएस की होल्डिंग देखें तो ये 21.2% देखने को मिल रहा है, और ये लगातार कांस्टेंट बना हुआ है। तो दोस्तों, हम लोगों ने बजाज फाइनेंस में मार्च में काफी गिरावट देखी थी लॉकडाउन के बाद से, और हम लोगों ने ये सोचा था कि जो बड़े निवेशक है इस स्टॉक से निकल गए होंगे, लेकिन इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न से ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिल रहा है कि इससे बड़े निवेशक निकल चुके हैं। और डीआईज की बात करें तो डीआईज भी इसमें तकरीबन 7% होल्ड किए हुए हैं, तो कुल मिलाकर के जो बड़े निवेशक हैं इसमें 28% के आसपास होल्डिंग बनाए हुए हैं, और प्रमोटर्स के पास होल्डिंग 56% है। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि बड़े निवेशक बजाज फाइनेंस में अभी भी बुलिश हैं, इसलिए इन्होंने इतनी गिरावट के बाद भी अपना स्टॉक इसमें कम नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं, इसके वजह से इसमें गिरावट देखने को नहीं मिली है। और हम लोगों ने इस पर बहुत सारे वीडियो बनाए हैं दोस्तों, और हर वीडियो में यही पाया कि बजाज फाइनेंस के फंडामेंटल्स काफी अच्छे देखने को मिले हैं। तो दोस्तों, अब हम लोगों को इस स्टॉक में क्या करना चाहिए, ये जो इनके रिजल्ट आएंगे क्वार्टर 3 के वो कैसे देखने को मिल सकते हैं,
तो इसके लिए दोस्तों इनके जो क्वार्टर वन और क्वार्टर टू के जो रिजल्ट आए थे उसको हम लोग चेक कर लेते हैं कि वो कैसे आए थे। तो स्क्रीन पर दोस्तों हम लोग बजाज फाइनेंस के सितंबर क्वार्टर और जून क्वार्टर का मिलान करेंगे। सबसे पहले हम लोग जून क्वार्टर का मिलान करते हैं। तो जून 2019 में ये 5,805 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट की थी, जो कि इस बार जून क्वार्टर में 6,648 करोड़ देखने को मिल रहा था। दोस्तों यहाँ याद रखिए कि जो जून क्वार्टर का रिजल्ट था, पूरे लॉकडाउन में कंपनी अपना जून क्वार्टर लेकर के आई थी, फिर भी इसके जो रेवेन्यू है हम लोगों ने इसमें ग्रोथ देखा है, इसमें ग्रोथ देखने को मिला। अब आइए नेट प्रॉफिट में। तो नेट प्रॉफिट में दोस्तों लास्ट ईयर जून क्वार्टर में ये 1,195 करोड़ का नेट प्रॉफिट की थी, जो कि इस बार जून क्वार्टर में घट करके 962 करोड़ होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो इनके नेट प्रॉफिट में डिग्रोथ देखने को मिला है इस पीरियड में, ईयर ऑन ईयर में। तो ऐसा क्यों हुआ दोस्तों कि इनके सेल्स तो बढ़े लेकिन इसमें नेट प्रॉफिट में डिग्रोथ देखने को मिला। तो दोस्तों इसका कारण ये है कि कोरोना की वजह से इन्हें जो है प्रोविजनिंग करनी पड़ी है, जिसके चलते इनके नेट प्रॉफिट हम लोगों को घटते हुए देखने को मिले हैं। अब आइए दोस्तों सितंबर क्वार्टर का मिलान करते हैं। तो इस बार सितंबर क्वार्टर में ये 6,517 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किए, जो कि लास्ट ईयर ये 6,322 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर इनके क्वार्टर टू के सेल्स में पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिल रहा है। अब सेम पीरियड में दोस्तों अगर हम लोग इनके नेट प्रॉफिट को देखें, तो लास्ट ईयर ये सितंबर क्वार्टर में 1506 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट की थी, जो कि इस बार सितंबर क्वार्टर में घटता हुआ देखने को मिल रहा है, 965 करोड़ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर इनके नेट प्रॉफिट में डिग्रोथ देखने को मिल रहा है, जबकि सेल्स में ग्रोथ देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी दोस्तों इसका जो नेट प्रॉफिट डाउन हुआ है, इसका कारण यही दोस्तों कि इन्हें कोरोना की वजह से प्रोविजनिंग करनी पड़ी थी, जिसके चलते इनके नेट प्रॉफिट गिरते हम लोगों ने देखे हैं। तो हम लोग यहाँ पर ये पा रहे हैं दोस्तों कि ये कंपनी जो कि मजबूत फंडामेंटल वाली है और साल दर साल अच्छा बिजनेस की है, अच्छा ग्रो की है, लेकिन इसके जो क्वार्टर वन और क्वार्टर टू के रिजल्ट जो है नेट प्रॉफिट के मामले में खराब देखने को मिल रहे थे, तो इसका कारण है प्रोविजनिंग। तो अब इनका जो क्वार्टर थ्री का जो रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, ये पहला क्वार्टर होगा जो कि लॉकडाउन के बाद आ रहा है, लॉकडाउन ओवर होने के बाद आ रहा है। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इनके रेवेन्यू में तो हम लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगा, लेकिन इस बार इनके नेट प्रॉफिट में भी हम लोग ग्रोथ देख पाएंगे, इसलिए कि इस बार हो सकता है कि इन्हें कम प्रोविजनिंग करनी पड़ी, चूंकि लॉकडाउन खत्म हो चुका है, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। एक्चुअल में क्या होगा वो तो हम लोगों को 20 तारीख को पता चलेगा, लेकिन इनके ट्रेंड से यही पता चल रहा है कि ये कंपनी खराब फेज में भी अपने रेवेन्यू को ग्रोथ फेज में रख पाने में सफल रही है। हालांकि कोरोना के चलते इनके नेट प्रॉफिट गिरते हुए देखने को मिले हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं उम्मीद करेंगे कि इनके जो क्वार्टर थ्री के रिजल्ट रहेंगे वो क्वार्टर वन और क्वार्टर टू से हम लोगों को बेहतरीन देखने को मिलेंगे। तो अब आइए दोस्तों हम लोग इसके टेक्निकल चार्ट पर वापस आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इनके शेयर भाव आने वाले दिनों में कैसे देखने को मिल सकते हैं। क्या ये स्टॉक यहां से नीचे चला जाएगा? तो नहीं दोस्तों, ये तो ब्रेकआउट दे ही चुका था, बजाज फाइनेंस तो ब्रेकआउट दे ही चुका था, लेकिन आरबीआई ने जो पेनाल्टी इम्पोज किया उसके बाद इसमें गिरावट देखने को मिली। तो ये गिरावट जो है एक बेहतरीन मौका दे रहा है हम निवेशकों को कि हम लोग 5,082 के स्तर पर, जिस पर ये क्लोजिंग दिया है, उस स्तर पर अगर हम लोग बाई करके चलते हैं तो ये स्टॉक हम लोगों को काफी अच्छा रिटर्न देने की क्षमता रखता है। हम लोग ये कहीं ना कहीं ये जरूर उम्मीद करेंगे कि इनके क्वार्टर थ्री के जो रिजल्ट रहेंगे वो काफी शानदार रहेंगे। तो अब बात आती है दोस्तों कि इनके रिजल्ट शानदार रहेंगे और ये शेयर ऊपर की ओर जाएगा तो इनका लेवल क्या हो सकता है, किस लेवल तक ये स्टॉक जा सकता है? तो दोस्तों इनका जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो 4923 के आसपास देखने को मिल रहा है, लेकिन ये शेयर जो है अपने स्ट्रांग सपोर्ट के ऊपर ट्रेड कर रहा है और जो हम लोग को इमीडिएट टारगेट देखने को मिल रहा है दोस्तों, इसमें 6848 का देखने को मिल रहा है और ये टारगेट है दोस्तों, ये लॉन्ग टर्म के लिए है,
तो अभी इमीडिएट क्या हो सकता है, रिजल्ट के बाद क्या हो सकता है, कौन सा स्तर को ये स्टॉक टच कर सकता है? तो इमीडिएट टारगेट है दोस्तों, ये हम लोगों को 5400 के ऊपर देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में। तो कहीं ना कहीं इसमें हम लोग तेजी बनता हुआ देखेंगे और इस स्टॉक में आने वाले दिनों में, एक साल में, छह महीना में हम लोग इस स्टॉक को करीब 6800 के आसपास जाता हुआ देख पाएंगे, ऐसा इसके टेक्निकल चार्ट सजेस्ट कर रहे हैं। तो लेकिन दोस्तों इसमें कंडीशन यही है कि इनके क्वार्टर थ्री के रिजल्ट जैसा हम लोग उम्मीद कर रहे हैं वो बेहतरीन होने चाहिए और क्वार्टर फोर के रिजल्ट और भी बेहतरीन होना चाहिए, तो हम लोग इस स्टॉक में जल्द ही सारे टारगेट मीट होते हुए देखेंगे। तो दोस्तों अभी तक आपने मेरे वीडियो को वॉच किया इसके लिए आपका धन्यवाद, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे जरूर लाइक करें, मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। मैं आपके लिए लगातार शेयर रिलेटेड इंटरेस्टिंग वीडियो बना करके ला रहा हूं आपके सामने, मजबूत फंडामेंटल वाली कंपनियों के बारे में लगातार बता रहा हूं। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करेंगे दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को मैं नमस्कार।